हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है पीके एडिटिंग जोन। तो गाइस, जैसा कि आपको बताया कि गणेश चतुर्थी आने वाली है, तो गाइस आप में से भी बहुत से दोस्तों ने मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम किया है कि भाई यार गणेश चतुर्थी ऊपर कुछ स्पेशल फोटो एडिटिंग का ट्यूटोरियल लेकर आओ। तो गाइस मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए स्पेशल गणेश चतुर्थी फोटो एडिटिंग ट्यूटोरियल। तो जैसा गाइस आप मेरे थंबनेल में देख चुके हैं, आज हम कुछ इस प्रकार से फोटो एडिटिंग करने वाले हैं। तो इसके लिए गाइस आपको एक अपने पिक्चर की जरूरत पड़ने वाली है। तो जैसा गाइस आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपको कुछ इस पोज में एक अपना फोटो शूट कर लेना है। और गाइस फोटो शूट करते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है, आपका जो पीछे का बैकग्राउंड है वो एक ही कलर का होना चाहिए, मल्टी कलर का नहीं होना चाहिए। तो पिक्चर शूट कर लेने के बाद गाइस आपको अपने स्मार्टफोन का एक क्रोम ब्राउजर इसको ओपन करना है। और गाइस आपको यहाँ पर सर्च बार में टाइप करना है remove.bg, आपको यहाँ पर टाइप करना है। देखिए गाइस मेरा पहले से किया हुआ है तो यहाँ पर आ जाएगा। तो गाइस मेरा यहाँ पर पहले सर्च किया था तो यहाँ पर आ गया है, तो इसको यहाँ से सर्च कर लेते हैं हम। तो देखिए गाइस आपके सामने कुछ इस प्रकार से वेबसाइट ओपन हो जाएगा। तो इसके बाद गाइस आपको यहाँ पर देखिए अपलोड इमेज का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। और गाइस आपने जो पिक्चर शूट किया था उसको यहाँ पर ऐड कर देना है। यहाँ पर नहीं मिलता तो गाइस यहाँ पर ब्राउजर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके आप उस पिक्चर को यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो देखिए गाइस मेरा यहाँ पर है तो इसको यहाँ से ऐड कर लेते हैं हम। और गाइस इस वेबसाइट से हमारा पिक्चर का PNG इमेज है जो आ जाएगा, हमारे पिक्चर का PNG इमेज आ जाएगा। आपको PNG इमेज बनाना होता है तो अच्छी बात है गाइस, नहीं तो आप इस साइट से HD अपना PNG इमेज ले सकते हैं। तो देखिए गाइस हमारा इमेज आ चुका है, तो इसको सिंपली आपको यहाँ पर डाउनलोड कर लेना है। तो गाइस पिक्चर डाउनलोड हो जाने के बाद गाइस आपको सिंपली बैक आना है और ये पिक्सआर्ट एप्लीकेशन है इसको ओपन करना है। और गाइस आपके पास अगर मेरे वाला पिक्सआर्ट का प्रीमियम वर्जन नहीं है तो गाइस मैंने मेरे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन दिया है, आप वहाँ पर मुझे DM करके मेरे वाला पिक्सआर्ट ले सकते हो। तो देखिए गाइस पिक्सआर्ट ओपन होने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। एक बार सिंपली गाइस हम यहाँ पर स्किप कर देते हैं इसको। उसके बाद गाइस कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा, तो सिंपली आपको यहाँ पर प्लस के आइकन पर क्लिक करना है। और गाइस यहाँ पर देखिए आपको ऑल फोटो पे क्लिक करना है। और गाइस जो बैकग्राउंड का इमेज है इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। तो सबसे पहले हम वो बैकग्राउंड यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। तो देखिए गाइस हमारा बैकग्राउंड आ चुका है। तो इसके बाद गाइस आपको अपने स्मार्टफोन का ये रोटेशन है आपको ऑन करना है। और गाइस अपने मोबाइल को कुछ इस प्रकार से आपको टेढ़ा करना है जिससे हमें इमेज एडिटिंग में आसानी हो सके। तो इसके बाद गाइस आपको साइड में स्क्रॉल करना है और यहाँ पर ऐड फोटो का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। और गाइस यहाँ से आपको अपना पिक्चर है जो ऐड कर लेना है, जो अभी आपने डाउनलोड किया था PNG इमेज उसको आपको यहाँ पर ऐड कर लेना है। और यहाँ पर देखिए गाइस हमारा इमेज आ चुका है। तो देखिए गाइस हमारा इमेज का जो रोटेशन है कुछ इस प्रकार इस साइड पोज देकर शूट किया था, तो इसको यहाँ से देखिए फ्लिप रोटेट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पर थर्ड वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है जिससे हमारे इमेज का रोटेशन कुछ इस तरह से साइड में हो जाएगा। तो फिर गाइस आपको अपनी इमेज को कुछ इस प्रकार से अच्छे से सेट कर लेना है। यहाँ पर देखिए गाइस यहाँ आपको लेंथ छोटा कर देते हैं हम थोड़ा सा, और थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, कुछ इस प्रकार से आप इसको सेट कर लेना। और फिर गाइस आपको एक बार स्क्रीन पर टैप करना है और फिर से गाइस आपको अपनी फोटो पे क्लिक करना है और यहाँ पर साइड में स्क्रॉल करना है। और यहाँ पर देखिए गाइस FX इफेक्ट का ऑप्शन दिख रहा है आपको, इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पर देखिए गाइस आपको FX पे क्लिक करना है और यहाँ सेकेंड वाला ऑप्शन आ रहा है HDR का, इस पर आपको क्लिक कर देना है जिससे हमारे इमेज में थोड़ा क्वालिटी आ जाएगा, हमारा इमेज थोड़ा HD दिखने लगेगा। तो इसके बाद गाइस आपको यहाँ पर राइट के निशान पर टिक कर देना है। तो देखिए गाइस हमारा इमेज है कुछ इस प्रकार से यहाँ पर थोड़ा HD हो जाएगा। तो इसके बाद गाइस आपको एक बार यहाँ पर स्क्रीन पर टैप करना है और फिर से गाइस आपको ऐड फोटो पे क्लिक करना है। तो गाइस मेरे पास एक ब्लैक शैडो का PNG इमेज है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैंने स्पेशल इस चीज़ के लिए बनाया है। तो चलिए गाइस यहाँ से हम ऐड कर देते हैं। और देखिए गाइस हमारा इमेज आ चुका है, तो इसको थोड़ा सा जूम करना है आपको, यहाँ पर देखिए फुल जूम भी कर सकते हो। तो गाइस एक बार हम यहाँ पर पूरी स्क्रीन पर जूम कर लेना है और यहाँ पर आपको नीचे यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आपको इसको सेट कर लेना है। इसके बाद गाइस आपको यहाँ पर देखिए इरेजर का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। और गाइस आपको यहाँ पर अपनी पिक्चर को जूम करना है, आपको यहाँ पर देखिए इस पर फिर से क्लिक करना है और इसको थोड़ा सा यहाँ से सेटिंग कर लेते हैं अपने हिसाब से। यहाँ पर साइज को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ओपेसिटी को थोड़ा सा कम और हार्डनेस को भी थोड़ा सा कम कर लेते हैं। तो इसके बाद गाइस आपको इस पर फिर से क्लिक करना है और अपनी इमेज में जहाँ पर आपको शेडो नहीं चाहिए उसको आपको ड्रॉ करना है। और यहाँ पर देखिए गाइस नीचे का थोड़ा सा यहाँ पर पिक्चर है जो अच्छे से नहीं आया मेरा, यहाँ पर मैंने स्लीपर्स पहने हैं तो यहाँ पर इसको इरेज कर देते हैं हम। तो यहाँ से देखिए गाइस आपको सिंपली इसको इरेज कर देना है, जो नीचे का आपको एक्स्ट्रा पार्ट नहीं चाहिए उसको आपको इरेज कर देना है। तो इसलिए गाइस मैं यहाँ पर बाकी का सब इरेज कर लेता हूँ अपने पैरों को छोड़कर। तो इसके बाद गाइस आपको इस पर फिर से क्लिक करना है और इसका ओपेसिटी थोड़ा सा और कम कर देना है, साइज को भी थोड़ा सा कम कर देना है और हार्डनेस को इतना ही रहने देना है। तो इसके बाद गाइस इस पर फिर से क्लिक करेंगे और अपने पैरों के पास थोड़ा सा और जूम करेंगे और यहाँ से कुछ इस प्रकार से आप इसको इरेज कर सकते हैं।
तो चलिए गाइज मैं एक बार यहाँ पर आपको जल्दी जल्दी करके दिखा देता हूँ। तो देखिए गाइज हमारे इमेज कुछ इस प्रकार से शो हो जाएगा। तो इसके बाद गाइज यहाँ पर देखिए आपको ऐड फोटो पे फिर से क्लिक करना है। और गाइज मेरे पास एक गणेश चतुर्थी का टेक्स्ट पीएनजी इमेज लिंक है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए गाइज इसको हम ऐड कर देते हैं यहाँ पर। और गाइज हमारे इमेज कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो इसको यहाँ पर थोड़ा सा रोटेट कर देंगे और गाइज यहाँ पर इसको यहाँ पर सेट कर देना है और गाइज स्क्रीन पर टैप कर देना है। तो देखिए गाइज हमारा इमेज बनकर तैयार हो चुका है। और गाइज आपको यहाँ पर देखिए राइट के निशान पर टिक कर देना है। और गाइज आपको यहाँ पर देखिए अपनी इमेज ने थोड़ा सा क्वालिटी लाना है। तो गाइज आपको यहाँ पर देखिए इफेक्ट्स का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। और गाइज आपको यहाँ पर एफएक्स पे क्लिक करना है। और गाइज यहाँ पर देखिए आपको एचडीआर का ऑप्शन दिख रहा है सेकंड वाला, इस पर आपको क्लिक कर देना है, जिससे हमारा इमेज है थोड़ा एचडी दिखने लगेगा, इसमें क्वालिटी आ जाएगा। तो इसके बाद गाइज आपको यहाँ पर राइट के निशान पर टिक कर देना है। और इसके बाद गाइज आपको यहाँ पर देखिए एयर वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। और गाइज यहाँ पर देखिए आपको सेकंड वाला ऑप्शन आ रहा है गैलरी का, इस पर आपको टिक कर देना, इससे हमारा इमेज है जो गैलरी में सेव हो जाएगा। तो गाइज वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। और गाइज कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता के देना आपको वीडियो कैसा लगा हो, और आपको आगे किस वीडियो ट्यूटोरियल चाहिए भाई आपके लिए लेकर आएगा। तो चलिए गाइज मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले गाइज जय हिंद जय भारत।